हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैजेस स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे मनोविज्ञान के कुछ 20 क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शिक्षा का अर्थ होता है, तो देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का शुद्धिकरण करना, व्यवहार को बनाना या व्यवहार में कुशलता लाना। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बी वाला होगा, यानी कि व्यवहार का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट मनोविज्ञान है, तो देखिए मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का शुद्धिकरण, व्यवहार को बनाना, व्यवहार में कुशलता लाना। तो देखिए इसका आंसर है वो होगा व्यवहार का अध्ययन करना। नेक्स्ट मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का सूत्रपात किसने किया, तो जो मनोविज्ञान है उसमें शिक्षा शब्द का जो सूत्रपात है वह रूसो ने किया। तो ऑप्शन में दे रखे हैं थॉर्नडाइक, प्लेटो, रूसो या अरस्तु, तो इसका होगा रूसो। नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान कहा है, तो किसने कहा है मन रहित विज्ञान, वॉटसन, स्किनर, विलियम जेम्स या विलियम वुंड, तो देखिए वॉटसन ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वह मन रहित विज्ञान है। नेक्स्ट मनोविज्ञान शब्द के जनक हैं रूसो, अरस्तु, रोडोल्फ गोयलकर, प्लेटो, तो जो मनोविज्ञान शब्द के जनक हैं वो हैं रोडोल्फ गोयलकर। नेक्स्ट मनोविज्ञान का जनक है, तो मनोविज्ञान का जनक है रूसो, अरस्तु, रोडोल्फ गोयलकर या प्लेटो, तो देखिए मनोविज्ञान का जनक है अरस्तु। नेक्स्ट एजुकेशन किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश, लैटिन, यूनानी या स्पेनिश, तो यह इंग्लिश भाषा का शब्द है। नेक्स्ट शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है, जॉन एडम्स, जॉन ड्यूई, अरस्तु या फिर सुकरात, तो जो ये किसने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट शिक्षा को त्रिमुखी किसने कहा है, तो जॉन ड्यूई ने कहा है। नेक्स्ट शिक्षा है विकास की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, कौशल प्रक्रिया, अभ्यास प्रक्रिया, तो ये है सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट शिक्षण है बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं, तो देखिए शिक्षण है बाल केंद्रित। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान था, तो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का या व्यवहार का, तो देखिए ये चेतना का विज्ञान था। नेक्स्ट मनोविज्ञान जो है किससे अलग हुआ है, तो जो मनोविज्ञान है वो मनोशास्त्र से अलग हुआ है, किससे हुआ है, मनोशास्त्र से। नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ है, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, तो देखिए इसका शुरू फ्रांस से हुआ है। बालक इतिहास दिशा में जाने की प्रक्रिया करता है, तो जो बालक है वो इच्छित दिशा में जाने की प्रक्रिया करता है। यह कार्य प्याजी की किस अवस्था का है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक, देखिए ये संवेदी जो है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था का है। नेक्स्ट बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कथन का असंगत विकल्प है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, रूसो। 20वीं सदी जो है बालकों की सदी है, क्रो एंड क्रो। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हम अपनी जो है आदतें हमारा निर्माण करती हैं, डाइडेन। और उसके बाद शैश अवस्था में सीखना जो है कि सीमा व तीव्रता विकास की ओर किस अवस्था की तुलना में अधिक होती है, वैलेंटाइन। तो देखिए इसमें पूछा था कि बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कथन असंगत है, तो ये वाला जो कथन है 4th वाला ये कथन असंगत है। नेक्स्ट तो देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, यानी कि जो शैश अवस्था में सीखना व सीमा के तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, ये वॉटसन ने कहा था। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, तो देखिए वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, किस अवस्था में होती है, शैश अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट जो कॉर्ल व ब्रूस है उन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, रॉस ने इसे छंदम परिपक्वता का काल भी कहा है और किलपैट्रिक ने इसे प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। नेक्स्ट किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने के अवसर देने चाहिए, रूसो, जॉन डीवी, इवॉन इलिच या फ्रे, तो ये कहा है रूसो ने। देखिए जो है
इनका मानना है रूसो का कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए। रूसो जो हैं जीन जैक्स रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल तथा सोशल कॉन्टैक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का ये 20 क्वेश्चंस का वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इन जो क्वेश्चंस को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस है वो उसका वीडियो कल आएगा। ओके, थैंक यू।